भाई साहब कितना ज्यादा सिक्योरिटी लगा है यहाँ पे, कितने सारे पुलिस वाले खड़े हैं। एक बार पुलिस की गाड़ियां देखो, कितनी ज्यादा पुलिस की गाड़ियां खड़ी है और कितनी ज्यादा सिक्योरिटी लगी है। जेड प्लस सिक्योरिटी यहाँ पे गवर्नमेंट ने लगा रखी है और इतनी सिक्योरिटी देखे तो मैं खुद भी यहाँ पे डर रहा हूँ। अब मैं इसलिए यहाँ पे इसलिए डर रहा हूँ ना, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे एक सोने का टैंक है जो कि है 75,000 करोड़ रुपए का और उसको आज हम लोग जो है चोरी करने के लिए आए हैं। दरअसल ये गवर्नमेंट का टैंक था जो कि यहाँ पे खराब हो जाता है और उसको रिपेयर करके यहाँ पे रखा हुआ है, इसीलिए भाई साहब वो चोरी ना हो जाए इसीलिए गवर्नमेंट ने पे जेड प्लस सिक्योरिटी लगा रखी है। लेकिन मैं यहाँ पे फेक रिपेयरमैन बन के आया हूँ। सबको लग रहा है मैं रिपेयरमैन हूँ लेकिन मैं हूँ इंटरनेशनल लेवल का चोर बंटी और आज हम लोग उसी टैंक को चोरी करने के लिए आए हैं। हेलो ऑफिसर, मेरा नाम बंटी है और मैं जो है वो माइकल इंटरनेशनल कंपनी की तरफ से रिपेयरमैन रिपेयर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो प्लीज मुझे अंदर जाने की परमिशन दीजिए। जी सर, सारे डॉक्यूमेंट मैंने पीछे ही सबमिट करवा दिए थे। हाँ जी सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। सो फाइनली गाइस किसी को भी शक नहीं हुआ है और फाइनली हमें अंदर जो है एंट्री मिल चुकी है। वैसे मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह मांगे थे लेकिन मैंने इनको बोल दिया डॉक्यूमेंट मैंने पीछे सबमिट करवाए, लेकिन मैंने पीछे कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाए थे। और सब लोगों को, जितनी भी जेड प्लस सिक्योरिटी है और जो ऑफिसर है, उन सबको ये लग रहा है कि भाई मैं यहाँ पे जो है इस टैंक को रिपेयर करने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं कोई रिपेयर नहीं करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इस टैंक को चोरी करने के लिए आया हूँ। और आज कुछ भी हो जाए भाई, इस सिक्योरिटी के बीच में से हम इस 75,000 करोड़ के सोने के टैंक को जो है कुछ भी करके चोरी करेंगे। अब भाई एक बार टैंक का लुक देखो, कितना ज्यादा औसम लग रहा है, पूरा सोने का बना हुआ है और कितना ग्लो कर रहा है, एक बार आप लोग ये देखो। और इसके ऊपर सारा सिक्योरिटी सिस्टम है, ऊपर देखो गन भी लगी हुई है, मतलब पूरी तरीके से एडवांस सिक्योरिटी सेटअप वाला है, इसीलिए इसका प्राइस 75,000 करोड़ रुपए है। और कुछ भी हो जाए मुझे इसको चोरी करना है, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं सिक्योरिटी के बीच में से इसको चोरी करूंगा कैसे, क्योंकि अगर गलती से भी मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत भी गलती कर दी तो भाई ये सारे के सारे पुलिस वाले मेरे को अरेस्ट कर देंगे और उसके बाद मेरा बचना भाई नामुमकिन है। और यहाँ पे एक बार एरिया देखो भाई, पुल के ऊपर खड़े हैं हम लोग, नीचे से नदी जा रही है, कितनी बड़ी नदी है। अब मेरे दिमाग में ना गाइस एक आइडिया आया, अब कौन सा आइडिया है वो आइडिया मैं तुम लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो भी लोग लाइक कर देना। गाइस हम लोग पीछे की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगा हुआ है, तो मैंने ऐसा सोचा ना कि यहाँ पे गाइस क्या करते हैं, यहाँ पे टाइम बॉम्ब लगा देते हैं हम लोग। भाई 2 से 3 बॉम्ब लगा रहा हूँ लेकिन डर मेरे को काफी ज्यादा लग रहा है, अगर किसी को पता चल गया तो भाई मेरी तो चटनी बन जाएगी यहाँ पे। लेकिन फाइनली हमने 2 बॉम्ब तो लगा दिए, 2 बॉम्ब यहाँ पे लगा लेता हूँ ताकि क्या होगा जैसे ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे और बॉम्ब को हम लोग ब्लास्ट कर देंगे और उसके बाद मेरे भाई पीछे वाली सिक्योरिटी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी और आगे से जो है हम लोग अटैक कर देंगे। अब मेरे को फटाफट से यहाँ से निकलना पड़ेगा। अबे भाई क्या है, चढ़ जा, फाइनली चढ़ गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। और फाइनली जो है मेरा बैग भी मैंने यहाँ पे रख दिया है ताकि सबको लगेगा भाई जितना भी जो है रिपेयरिंग का काम था मैंने पूरा कर दिया है। अब फटाफट से गाइस क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ से गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और यहाँ से निकल देता हूँ। वैसे अभी तक तो जो है ना किसी को भी शक नहीं हुआ है, सबको लग रहा है कि मैं रिपेयरमैन ही हूँ, लेकिन भाई किसी को ये नहीं पता कि मैं डेविड इंटरनेशनल लेवल का चोर हूँ और आज हम लोग कुछ भी करके इसको चोरी करने ही आए हैं। अब मैं फटाफट से यहाँ से क्या करता हूँ, गाड़ी घुमाता हूँ भाई, किसी को टच ना हो जाए, क्योंकि अगर किसी पुलिस वाले को गलती से भी गाड़ी टकरा गई ना, टच हो गई, तो भाई वो मेरा गला पकड़ लेंगे सीधा। भाई मेरे को ध्यान से घुमाना पड़ेगा और फाइनली हम लोग यहाँ से जरा मेरे को ध्यान से निकालना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये बिल्कुल ऊपर ही खड़ा है। और फाइनली अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऑफिसर से जब बात कर लेते हैं। हेलो ऑफिसर, मैंने सारा का सारा टैंक जो है रिपेयर कर दिया, सब कुछ ठीक है, अब आप जो है इसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच। सो फाइनली गाइस हम लोगों को परमिशन मिल चुकी है यहाँ से जाने की और अब बस कुछ नहीं करना गाइस, हमें यहाँ से जो है निकलना है। अब बस मैं कुल मिला के यहाँ से सिक्योरिटी के बीच में से निकल जाऊँ, मुझे कोई रुकवाए नहीं, अगर मेरे डॉक्यूमेंट चेक कर लिया मेरे को रुकवा लिया तो गाइस जो ना गलती सीन हो जाएगा, मेरे को फटाफट से यहाँ से निकलना पड़ेगा। भाई मैं यहाँ से बस निकल जाऊँ और फाइनली गाइस हम लोग यहाँ से निकल गए। अभी जो है ना जो बॉम्ब हमने लगाए थे ना वो अभी मैं ब्लास्ट नहीं करने वाला हूँ, अभी मेरे दिमाग में ना एक दूसरा आइडिया आया, उसको हम लोग करेंगे। हम आगे से जब अटैक करेंगे ना तब पीछे की सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। कैसे होगी, क्योंकि हमने बॉम्ब पहले से लगा रखा था। हमें काम करते हैं, अपनी गाड़ी पे भी जो ना 2 से 3 बॉम्ब जो है वो लगा के जाते हैं। वैसे ये बॉम्ब गाइस बहुत ज्यादा महंगे आते हैं, 1 बॉम्ब जो है वो 1 करोड़ रुपए का है, इतना ज्यादा महंगे हैं ये बॉम्ब। तो गाइस उसी चीज के लिए 1 लाइक तो बनता है, तुम्हारे भाई ने बहुत ही मुश्किल से बॉम्ब कहीं से चुराए थे, रुपए तुमने नहीं दिए थे, चुराए थे, तो भाई इसी चीज पे 1 लाइक तो बनता है। और फाइनली हम लोग आ चुके स्पीड की और 3, 2, 1 और भाई साहब, और रे भाई कितनी ज्यादा सिक्योरिटी खत्म हो गई है, सारी सिक्योरिटी गाइस खत्म हो चुकी है, कुछ सिक्योरिटी बची है और भाई इस सिक्योरिटी को हम खत्म कर देंगे। और जो पीछे की तरफ मैंने सिक्योरिटी वाले जो बॉम्ब लगाए थे ना वो भी बॉम्ब ब्लास्ट हो चुके हैं, पीछे की आधी सिक्योरिटी खत्म हो गई है और कुछ जो सिक्योरिटी बची है उसको मेरे को बस खत्म कर रहे हैं। और रे भाई ये क्या है, गाड़ी आके सीधा मेरे पैरों को टकराई, वो तो अच्छे में बच गया, अगर ब्लेड वाले जो है वो होते तो भाई मेरे पैर भी कट जाते। अब मेरे को जल्दी से कुछ भी करके और फटाफट से जो है गाड़ी तक यहाँ पर टैंक तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि भाई दूसरी पुलिस जो है ना वो भी आ चुकी है, हेलीकॉप्टर वगैरह आ चुके हैं पुलिस के। और भाई क्या ब्लास्ट हो रहा है, कितना खतरनाक ब्लास्ट हुआ तुम लोगों ने देखा,
और यहाँ पे टैंक जो है बुलेट प्रूफ है, तो टैंक को कुछ भी नहीं होगा, बस जल्दी से हम लोग जाते हैं। ये देखो मैंने बोला था ना हेलीकॉप्टर आगे होंगे, और ये देखो हेलीकॉप्टर भी आ गए। बस कुछ भी करके मेरे को टैंक को एक बार यहाँ से निकालना इस पुल से, क्योंकि अगर मैंने थोड़ी बहुत भी गलती की ना तो भाई मेरा टैंक अगर नीचे पानी में गिर गया फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। बस जल्दी से मेरे को दरवाजा खोलना है अंदर। अरे भाई भाई भाई, भाई, भाई रुक जाओ बेटे, तेरे को तो टपकाऊंगा भाई साहब। ये हेलीकॉप्टर देखो किस तरीके से आ रहा है, रुक जाओ बेटा, ये हेलीकॉप्टर तो गया पक्का। अरे भाई साहब क्या ही फटा है, अब मेरे को जल्दी से कुछ भी करके इसके अंदर बैठना है फटाफट से। और फाइनली गाइस हम लोगों ने जो है इसको एक्सेस कर लिया है, और अभी देखो भाई इसका देखो पावर, देखो इसके ऊपर सारी मिसाइलें वगैरह लगी है। अरे भाई हेलीकॉप्टर क्या ही फटा है। अब बस कुछ भी करते हैं, स्कूल की थोड़ी सिक्योरिटी के बीच में से अगर मैंने एक बार इसको निकाल दिया ना, फिर हम लोग फाइनली इसके ऑनर बन जाएंगे भाई। कुछ भी करके ब्लैक मार्केट में ये जो है वो 20 से 30 करोड़ रुपए में तो आराम से बिक जाएगा, मतलब हम कुछ यहाँ के करोड़पति बन जाएंगे। बस जल्दी से करके यहाँ से जो है वो निकालना है। और भाई आगे से पूरा रास्ता ब्लॉक तो कर रखा था, लेकिन हम ऊपर से निकल गए। और एक बार पुलिस की गाड़ियाँ देखो भाई, कितनी सारी गाड़ियाँ आ रही है।